सो हेलो गाइज व्हाट्सअप आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र मसँग आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ न्युज रहेको छ सो प्लिज मेक स्योर टु वाच टिल दि इन सो गाइज म आज हजुरहरूलाई खासै न्युज कभर गरेर देखाउने छैन मसँग आज एउटै टपिकमा मात्र न्युज रहेको छ श्री वाइटी एन्ड स्काई लर्ड बिचको कन्ट्रोभर्सी सो स्काई लर्डलाई हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ होला हाम्रो इन्डियन कम्युनिटीमा एक्सपोजको रूपमा चिनिन्छ स्काई लर्डलाई एक्सपोज च्यानलको रूपमा एन्ड श्री वाइटी चाहिँ लाइक हाम्रो गेमिङको न्युज च्यानल हुनुहुन्छ एकदमै टपेस्टमा होइन सो दुईजना बिच ठुलो कन्ट्रोभर्सी भइसकेको छ सो म हजुरहरूलाई यसैको बारेमा पुरै डिटेलमा भन्नेछु बट त्योभन्दा अगाडि हजुरहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच बिकज हजुरहरूले यति धेरै सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ होइन 160,000 प्लस फ्यामिली कम्प्लिट भइसकेको छ बट अहिलेसम्म पनि धेरैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सो अहिलेसम्म को कोले गर्नुभएको छैन स्क्रिनमा देखाएको जसरी प्लिज गरिदिनु होला लाइक एकदमै हेल्प हुन्छ होइन तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले लाइक केही हुँदैन जस्तो लाग्छ होला बट मलाई चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ सो यस प्लिज गरिदिनु सक्नुहुन्छ सो कन्ट्रोभर्सीको बारेमा कुरा गरौँ सो स्काई लर्डले चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो अपलोड गर्नुभयो जहाँ चाहिँ श्री वाइटीलाई धेरै एलिगेसनहरू लाउनु भएको छ लाइक स्क्यामदेखि लिएर होइन कोही कोहीले पैसा दिएर न्युज कभर गर्छ समथिङ यस्तै धेरै एलिगेसनहरू लगाउनु भएको छ सो फर्स्ट अफ अल म हजुरहरूलाई स्काई लर्डको छोटो भिडियो क्लिपहरू देखाइदिन्छु आपसे ये बोलूं कि श्रेय वाइटी एक चोर है तो क्या आप मानोगे अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय वाइटी ने ऑडियंस के साथ स्कैम किया तो क्या आप मानोगे अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय वाइटी पैसा लेके न्यूज़ डालता है तो क्या आप मानोगे अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय वाइटी कंट्रोवर्सी करवाता है तो क्या आप मानोगे अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय वाइटी क्लिकबेट करता है तो क्या आप मानोगे अगर मैं ये बोलूं कि श्रेय वाइटी एक बहुत बड़ा दोगला है तो क्या आप मानोगे मुझे पता है आप नहीं मानोगे क्योंकि आप उल्लू के पट्टे और अब जो तुमको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं उसके बाद तुमको इस बात का भरोसा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सब सही है अब यार देखो मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ था ये मेरे साथ बहुत बार हुआ था और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जब भी कोई काम की न्यूज होती है उसको श्री वाटी कभी कवर नहीं करेगा फॉर एग्जांपल अभी ट्रायल सीरीज हुई आपको कहीं पे टूर्नामेंट्स की न्यूज मिलती है श्री वाटी के चैनल पे कभी नहीं मिलेगी पता है भाई न्यूज कैसे कवर करते हैं मैं बताता हूं देखो यहां पर मैंने भाई को मैसेज किया कि भाई मैंने स्पॉन्सरशिप भेज दी है प्लीज न्यूज कवर कर देना उसके बाद भाई का रिप्लाई क्या आया वो तुम खुद देख सकते हो और हां इस बात को श्री अच्छे से जानता है कि मैंने उसको कितना पैसा दिलवाया है न्यूज कवर करने के लिए तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी न्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर आपको श्री वाटी से कवर करवाना है तो आपको सिर्फ पैसा देना होगा पैसे से याद आया अच्छा किसी सो गाइज स्काई लर्डको हल्का भिडियो क्लिपहरू हेरि नै हाल्नु एन्ड हजुरहरूले देख्नुभयो कि स्काई लर्डले श्री वाइटीमाथि धेरै एलिगेसनहरू लगाउनु भएको छ एन्ड अल्सो केही स्क्रिनसटहरू पनि सेयर गर्नुभएको छ सो म हजुरहरूलाई अब श्री वाइटीको रिप्लाई देखाउनेछु सो श्री वाइटीले स्काई लर्डलाई के रिप्लाईहरू दिनुभएको छ सो हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अल्सो हजुरहरूले जज गर्नुहोला कसको गलत छ लाइक को गलत छ को छैन भनेर सो यस श्री वाइटीको हल्का भिडियो क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ कैसे हो सभी आई होप अच्छे होंगे तो गाइस देखो अभी के टाइम में आपको बहुत सारे वीडियोस ये मिल जाएंगे जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई मैंने स्पॉन्सर लिया और फिर मैं लोग का न्यूज कवर करता हूँ तो सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले हमारे जो स्काई भाई हैं उन्होंने वीडियो अपलोड किया जहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं स्पॉन्सर लेता हूँ फिर किसी का न्यूज कवर करता हूँ तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब हमारा ऐसा बात कभी हुआ ही नहीं मैं आपको बताता हूं सो ये बहुत ही पुरानी बात है महीनों पहले की तो हुआ क्या कि इनका मेरे को सामने से मैसेज आया था ठीक है हाय स्काई लॉर्ड यार ऐसा कुछ बोल के ठीक और उसी वक्त इसने मेरे को सामने से एक स्पॉन्सरशिप दिया था मैं उसका नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर फालतू का मैं करना नहीं चाहता उसने मेरे को सामने से एक स्पॉन्सर दिया था और फिर उसी ने मुझसे पूछा था कि भाई ये करोगे तो ऑब्वियसली यार हर एक यूट्यूबर का स्पॉन्सरशिप सही होता है तो मैंने बोला हाँ ठीक है करूंगा और जैसे मेरा उस बंदे से बात हो गया यानी कि वो स्पॉन्सर वाले से तो अगले दिन इसका मैसेज आता है कि ये मेरा वीडियो है इसका न्यूज कवर कर लिंक जरूर से देना ऐसा और मैंने आज तक इसको या फिर किसी को भी ऐसा मैसेज नहीं किया है कि भाई तुम मेरे को स्पॉन्सर दो तभी मैं न्यूज कवर करूंगा और ये बंदा पूरी आधी अधूरी बात आपको बता रहा है और इसके बाद क्या हुआ ये मुझे हर दूसरे दिन मतलब स्पॉन्सर देता रहता था और जैसे मैं करता था तो ये अगले दिन फिर से बोलता था कि भाई ये मेरा वीडियो इसका न्यूज कवर कर इसका लिंक देना और देखो अब मैं आपको एक चैट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं सो इसने कहा है ये लाइन ऐड कर देना न्यूज में और वीडियो लिंक भी और देखो इसके नीचे इसने क्या कहा है और कॉल करो एक काम है कब तक छोटे स्पॉन्सर करोगे आप खुद सोचो अगर मैं इसको बोलूंगा कि मेरे को स्पॉन्सर दे बदले मैं न्यूज कवर करूंगा तो कोई भी दुनिया में ऐसा बंदा होगा जो और स्पॉन्सर देगा वो तो सीधा ब्लॉक ही करेगा ना बट ये क्या बोलता है कॉल करो कब तक छोटे स्पॉन्सर करोगे मतलब ये और बड़ा स्पॉन्सर दिलवाएगा और देखो जब मेरा उस स्पॉन्सर के साथ अच्छा वगैरह दोस्ती हो गया तो ये मेरे को मैसेज करता है आज से तू रूटर का नहीं करेगा रूटर बेसिकली एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है सो गाइज मैले हजुरहरूलाई बिचमा रोके त्यसको लागि आई एम रियली सरी एन्ड हजुरहरूले हेर्नुभयो श्री वाइटीले रूटर एपलाई स्ट्रिमिङ एप भन्नुभएको छ जुन कि पहिला थियो बट अहिले त्यहाँ स्ट्रिम मात्र नभएर हजुरहरूले त्यहाँ फ्रीमा पनि डायमन्ड पाउन सक्नुहुन्छ सो त्यसमा म हजुरहरूलाई सर्टकटमा भनिदिन्छु दिनमा कति डायमन्ड पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सो त्यसमा चाहिँ लाइक रुटर एपमा एकदमै इजी मिसनहरू हुन्छ होइन सो हजुरहरूले त्यो कम्प्लिट गर्नुभयो भने दिनमा 500 to 1,000 डायमन्ड एकदम इजिली पाउन सक्नुहुन्छ सो मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु एन्ड गुड न्युज के छ भन्दाखेरि मेरो त्यो लाइक भेरिफाइड पनि भइसकेको छ होइन त्यहाँको मेरो अकाउन्ट सो यस हजुरहरूले गरेर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड दिनदिनै लाइक त्यति डायमन्ड पाउनु भने एकदमै धेरै हो होइन सो यस हजुरहरूले गरेर डाउनलोड गर्नुहोला सो फर्स्ट अफ अल यो भिडियो सिद्धोस् एन्ड त्यसपछि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो म हजुरहरूलाई श्री वाइटीकै भिडियो क्लिपहरू कन्टिन्यू गर्नेछु सो यस हेर्न सक्नुहुन्छ
टेक बेसिकली एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है जो यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर देता है। उसकी जगह मैं तुझे उससे अच्छा डील दिलाऊंगा। और फिर ये मेरे को प्रेशर करने लगा कि तू अब से नहीं करेगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए वगैरह वगैरह। और देखो मैंने इससे एक दिन ऐसे पूछा, भाई ये एसईओ क्या होता है? तो ये बोलता है नेक्स्ट वीडियो देखो। फिर बोलता है मेरी आज की वीडियो में 150K लाइक्स करवा दो। मतलब फिर से इसका कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो का भी न्यूज कवर कर दो और अपने वीडियो में लिंक दे दो। कहने का मतलब यही है कि इसका जो भी वीडियो था इसका, ये हर एक लिंक मेरे को व्हाट्सएप में भेजता था और प्रेशर करता था कि भाई इसका न्यूज कवर कर, इसका लिंक दे, ये कर। अगर मैं नहीं करता था तो कभी कभी किसी तक कॉल ही कर देता था कि तू क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। ऐसा 100 बात की एक बात मैंने इसको कभी कहा ही नहीं है कि भाई तू मेरे को स्पॉन्सर दे फिर ही मैं न्यूज कवर करूंगा। ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं है। इसको बोल दो वो चैट दिखाने को जहां मैंने ऐसा कहा हो, ठीक है। दूसरी बात इसने कहा है कि जब मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक पड़ा था तो मैंने वीडियो अपलोड कैसे किया। तो मेरे भाई थोड़ा सा अपडेटेड हो जा, थोड़ा सा देख कि क्या दिन दुनिया में चल रहा है। और मैं जानता था कि ये बंदा कभी ना कभी इस पॉइंट को तो उठाएगा ही। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई तेरे चैनल पे कोई भी स्ट्राइक नहीं आया था तो झूठ बोलता है। तो गाइस ये देख लो, आप लोग को स्क्रीन पे दोनों स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक में दिखा रहा है यू हैव रिसीव्ड 1 कॉपीराइट स्ट्राइक और दूसरे में दिखा रहा है यू हैव रिसीव्ड 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। आप दोनों का स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड अगर आप चाहो तो आप पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो। सो यार अब तो तेरी दोनों बात गलत हो गई। पहला, मैंने तुझे आज तक कभी नहीं कहा कि पहले तू मुझे स्पॉन्सर दे, बदले में ही मैं न्यूज कवर करता हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। और दूसरा, तूने कहा कि मेरे को कभी भी स्ट्राइक पड़ा ही नहीं था, सब कुछ झूठ था, सब कुछ फेक था, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया। सो तू मुझे बस एक बात बता, कब तक ऑडियंस को मैनिपुलेट करेगा और दूसरों के हेटर्स को अपनी ऑडियंस बनाएगा, ये बता दे। और गाइस ये बोलता है कि मैं कभी भी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर नहीं करता, तो भाई मेरे जाके वीडियोस को देख पहले, ठीक है। सारी वीडियोस को देख, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के मत बोल। कितने सारे यूट्यूबर्स का चैनल हैक हुआ है, वो चाहे फ्री फायर के हो या फिर बाहर के हो या फिर कितने सारे को मदद की जरूरत है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे पास वो थोड़ा सा ही पावर है तो मैं उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकूं और उन तक थोड़ा सा हेल्प पहुंचा सकूं। हाँ मैं मानता हूं कि कहीं कहीं मेरी गलती होती है, मैं कभी कभी कुछ न्यूज छोड़ देता हूं, तो वो मैं जानबूझ के नहीं छोड़ता, वो गलती से कभी कभी छूट जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं। और गाइस देखो अब ना मैं आपको एक और बात बताता हूं। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया कि किस तरह से ये मेरे को बोलता था कि मेरे इस वीडियो का न्यूज कवर कर, उस वीडियो का कवर कर, शॉर्ट में बताऊं तो सारे वीडियो कवर करने बोलता था। लेकिन अब मैं आपको इसका दूसरा साइड दिखाता हूं। तो इसका ये सीन है कि जब भी ये खुद भी गलती करता था ना, जहां भी मान लो इसने खुद कोई गलती कर दिया, फिर उल्टा उल्टा सीन कर दिया, मतलब कि जहां से चांस था कि ऑडियंस उसको हेट करेगी, उसके वीडियो को डिसलाइक करेगी, वो मेरे को ये बोलता, पायल वाली न्यूज कवर मत करना। जिनको नहीं पता पायल कौन है मैं बता दूं, वो बेसिकली पबजी के यूट्यूबर है, आई थिंक स्ट्रीमर है। एंड वहां पे इसने क्या किया था, गाली गलौज करके आया था। मतलब पायल गेमिंग के डिस्कॉर्ड में ही जाके उनको ही गाली दे रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करना स्कायलॉर्ड वर्सेस पायल गेमिंग ऐसा कुछ करके, आपको वहां पे मिल जाएगा। मतलब कि अगर किसी और को हेट मिले तो इसके हिसाब से सही है, लेकिन अगर इसने खुद कोई गलती किया और कोई न्यूज चैनल को कवर कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि यहाँ पे स्कायलॉर्ड गलत है, तो वो उसको बोलता है मत कवर करो। तो अगर तू दूसरों को क्रिटिसाइज करता है तो खुद भी झेलने का तो हिम्मत रख। एंड गाइस देखो इसके हिसाब से ना फ्री फायर में जितने भी कंटेंट है सब गलत है। अगर कोई कस्टम गेम प्ले कर रहा है तो वो गलत है, अगर कोई अपडेट बता रहा है तो वो गलत है, अगर कोई गिवे कर रहा है तो वो गलत है, अगर कोई चुपचाप आके सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले बना रहा है तो वो भी गलत है, अगर कोई पीसी में खेल के 1v4 कर रहा है तो वो भी गलत है, और अगर कोई भी न्यूज चैनल न्यूज कवर कर रहा है तो वो भी इसके हिसाब से गलत है। हल्का वीडियो क्लिप हेरी नै हाल्नु एन्ड अब हजुरहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ कमेन्ट बक्स में को चाहिँ गलत छ भनेर। सो यस हजुरहरू सबैजनाले बुझिसक्नु होला, सो यस कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एनिवे आजको लागि भिडियो यति नै। एन्ड अर्को कुरा, हजुरहरूले त्यो रुटर एप डाउनलोड गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, बिकज त्यहाँबाट हजुरहरूले फ्रीमा डाउनलोड पाउन सक्नुहुन्छ है, जुन कि एकदमै ठुलो कुरा हो। एनिवे आजको लागि भिडियो यति नै। किप वाचिङ टिल देन, दिस इज नेभली सुटर, टेक केयर, जय नेपाल।